एक एड में जो होता है ना स्क्रिप्ट बहुत छोटी होती है ड्यूरेशन बहुत कम होती है अब जितने कम टाइम में सबसे ज़्यादा और अच्छा डिलीवर करने वाला एक्टर जो परफॉर्मर होगा वो ही वो रोल ले पाएगा लेमी टेल यू एक थिंग कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो बाहर से आते हैं दे आर अनट्रेंड एंड दे आर नॉट रियली अवेयर अबाउट दिस क्राफ्ट कि ये एक्टिंग होती क्या है प्रॉब्लम ये है कि हम आसपास देख के फिल्मों में देख के यू नो टीवी में देख के सिनेमा में देख के अखबारों में इंटरव्यूज़ पढ़ के हम आ जाते हैं ओके वी वी लुक्स गुड एंड हम लोग यू नो हमारे पड़ोसी भी बोलते हैं यार तो हीरो दिखते हो बॉम्बे क्यों नहीं जाते हो तो हम आ जाते हैं लेकिन यहाँ आके जब पता चलता है रियलिटी हिट्स रियली यू नो तब पता चलता है कि अरे यार हमें तो काम ही नहीं मिलता फिर हम क्या करते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेगेटिविटी फैलाना पहली चीज़ है इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिंग इज अ सीरियस बिजनेस ये क्राफ्ट आपसे बहुत मेहनत मांगती है आप विदाउट मेहनत किए आप और विदाउट मेहनत किए आप छोटा छोटा अचीव कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यू you नो know, कुछ फोड़ दिया है अच्छा सा एक रॉ प्रोडक्ट जो होता है वो आपकी चाहत है एक्टर बनने की और एक फिनिश या फाइनल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ वैन पीपल कॉल यू एन एक्टर एंड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं फॉर योर क्राफ्ट इस बीच की जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो एक एक्टर को हमेशा यू नो उस प्रोसेस में रहना चाहिए और वो प्रोसेस से गुजरना चाहिए और वो प्रोसेस उसकी लाइफ में डेली लाइफ में होना चाहिए आई थिंक ये एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप थिएटर जा रहे हो आप और आप क्लास जा रहे हो कहीं थिएटर जा रहे हो कहीं एक्टिंग की क्लास जा रहे हो तो आपको लगता है कि ओके मैं क्लास जाके आ गया या आ गई तो मेरा काम ख़त्म हो गया नहीं आप क्लास जाके आए वहाँ पर आप एक आ, यू नो एक चीज़ सीख के आए उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू इन टू यू नो आपके अंदर वो आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो वो चीज़ को बहुत सारे एक्टर्स या मोस्ट ऑफ द एक्टर्स मिस करते हैं और वो उनकी लाइफ में है ही नहीं आई थिंक थिएटर ज्वाइन करके अपने आप को जितना अच्छा एक्टर आप एक टाइम के साथ में बना पाओगे वो कहीं भी कोई कोर्स करने छोटा कोर्स करने या कोई क्लास करके आ, मुश्किल है लेकिन थिएटर आपका जो रूट्स है या जो आपकी नींव है उसको बहुत पक्का करेगा तो आई थिंक थिएटर मैं सजेस्ट करूँगा कि थिएटर इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथि आपको आ, अपने लिए एक आ, टाइम लिमिट तय कर लेना है इंडस्ट्री में आते ही कि मुझे अपने आप को इतना टाइम देना है इस इंडस्ट्री में उस टाइम पीरियड में आपको जम के मेहनत करनी करनी है आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है उस टाइम में आपको अपने कोई भी बैकअप प्लान के बारे में नहीं सोचना है बट जब वो टाइम लिमिट पूरा हो जाता है आपको अपने आप को दिया हुआ देन यू नीड टू री थिंक अबाउट एवरी थिंग यू हैव प्लान्ड इन दीज टू ईयर्स और वट एवर द टाइम यू हैव गिवन टू योर सेल्फ